पनामा पेपर्स लीक के अभी चंद महीने ही बीते थे कि बहामास लीक ने खलबली मचा दी है। इस लीक के मुताबिक टैक्स चोरी के लिए वर्ल्ड वाइड करीब 175,000 से ज्यादा कंपनियां, ट्रस्ट और फाउंडेशन कैरिबियाई टैक्स हेवन बहामास में पंजीकृत हैं। ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स जर्मन अखबार के हाथ लगे। अखबार ने ये डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से साझा किए हैं। जिन कंपनियों के नाम का खुलासा हुआ है वे साल 1960 से 2016 के बीच इस कैरिबियाई टैक्स हेवन से जुड़ी हैं। 175,000 कंपनियों में से बहामास में भारत की 475 कंपनियों के नाम हैं। ये कंपनियां माइंस एंड मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट, फैशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हैं। इनमें से कुछ कंपनियों का नाम पनामा पेपर्स लीक में भी आ चुका है। इनमें देश के बड़े बड़े घरानों के मालिकों का नाम भी शामिल है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।